पूरा क्लियर दिख रहा शनिवार वाला, उधर से एक गेट उधर से, मतलब सबसे प्यारा लग रहा पूरा नीचे भी। मैंने और देखते हैं इसके अंदर भी चल रहे, देख हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है। हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। अभी किसी ने कहा कि आज हम जा रहे हैं शनिवार वाड़ा, क्योंकि हमारा एक उस दिन जा रहे थे तो उस दिन बस छूट गई नहीं जा पाए थे। आज जा रहा हूँ चाचा के साथ बाइक से, तो चाचा के साथ जा रहा शनिवार वाड़ा मैं और चाचा। अभी सबसे पहले जाना चाचा के ऑफिस, क्योंकि ऑफिस से हमें एक दो फाइल उठाने, जो हमारा लिप का काम हुआ था तो उसकी फाइलें देनी है, मतलब चेकिंग करने वाले हैं तुमको फाइलें देने, तो मैं वहाँ से पहले फाइल लेना है, फाइल चाचा के साइड पहुँचाना है, उसके बाद हम निकलेंगे शनिवार वाड़ा। तो चलो चलते हैं यहाँ से। और ये सामने का व्यू, ये भी मतलब मुझे बहुत पसंद है, ये वाला अच्छा लगता है यार, क्या करें, बिल्डिंग देख के ना थोड़ा अच्छा अच्छा फील होता है। चलो अब चलते हैं शनिवार वाड़ा, मिलते हैं आप लोगों से रास्ते पे। चलो भाई चाचा के ऑफिस से काम हो चुका है, शनिवार वाड़ा आ चुके हैं, ये देखो यहाँ से। और इसके बारे में भी अंदर चल के अपन पूरा डिटेल से बताएंगे, मतलब क्या कैसा था। चलते अंदर, चाचा गाड़ी पार्किंग लगा लो वहाँ से, फिर चलते अंदर। पार्किंग लग गई है, हम चल रहे अंदर, और इसके बारे में आप लोग अंदर चल के डिटेल में समझाते हैं पूरा। और इसका पहले मेन गेट दिखाते हैं, और ये मतलब कुछ ही भाग बचा हुआ है, बाकी जल के खाक हो गया था ये 1828 में। इसका मेन गेट, बाकी अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। और इसको हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है, मतलब हॉन्टेड प्लेस में भी गिना जाता है। चलो अब चलते इसके अंदर। अपन नीले वाले काके लगाए गए थे, एंट्री होगी यहाँ, सीधे चलते हैं इधर से। ये है अंदर का भाग, ये आ चुके हैं हम शनिवार वाड़ा, यही है। ये देखो ये इधर से ऐसा, अभी ऊपर भी चलेंगे अपन इसके, बाकी पहले इधर घूम लेते हैं। तो जो चल दो ऊपर, जो बाजीराव मस्तानी मूवी बनी थी, मतलब कि इसी के ऊपर बनी थी, जो बाजीराव ने था तो उनने ये शनिवार वाड़ा सब बनवाया था। और मतलब इसमें 1828 में आग लगी, जिसमें कुछ ही भाग इसका बचा। इसमें 5 द्वार थे, मतलब एक दिल्ली, एक मस्तानी, एक और बहुत सारे नाम थे, मैं नाम तो भूल गया हूँ। बाकी ये देख लो, मतलब अच्छी जगह है, इसमें पूरी आग लगी थी ना, कुछ ही भाग बचा है। हाँ पूरा उधर है, 5 गेट है इसमें। और जो मूवी बनती है इसी को बनी थी, सामने से इसका ऐसा व्यू है देख सकते हो। बाकी ये क्या है, कुआं हुआ है क्या, रात में बंद रहता है, 8-5 के बाद बंद हो जाता है ना। बाकी ये देख लो, ये इसमें मतलब कि रात में लोग बोलते हैं आवाज़ के समय ना आवाज़ भी आती है, बोलते हैं कि जो इसे मर गए थे ना उनकी आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि किसके बारे में, गूगल से पढ़ा और बाकी जगह से पढ़ा है। तो बस अभी और इसमें मतलब कि हम इधर से घूम के जा रहे हैं, पूरा इधर से ऊपर राउंड एक बार मार देते हैं, पूरा इधर तक का राउंड। तो चलो चलते हैं, राउंड मारते हैं, और मतलब कि सही जगह है। बाकी सब जल गया था ना, ये सब जल गया था। इसमें कम से कम 1000 लोग आ सकते हैं, जब ये पूरा अच्छे से बना हुआ था ना, इसमें 1000 लोग आ सकते थे। हाँ बाकी इसका कुछ ही भाग बचा, जो सामने का है ना वही बस बचा है, बाकी जल के सब खाक हो गए थे 1828 में जो आग लगी थी। अभी अपन चल रहे इधर से उधर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, चलो चलते अभी आगे, यहाँ से नीचे जाएंगे हम यहाँ से। हाँ तो उस साइड से है ना, उधर से, तो उधर से इधर से भी रास्ता है, वो पतला पतला रास्ता है ना साइड से, ये इधर से। और बाकी ये छोटा मोटा किला है, ये जेल बनाए थे क्या छोटे छोटे, हाँ वो लग भी रहा जेल ही होगा ये वही है, मतलब अंदर ही का कुछ है। और इसमें रात में आवाज़ आती है, इसलिए इसको हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है। अभी और घूम रहे हैं, हमने थोड़ा बहुत पता जितना था हम बता रहे हैं आप लोगों को, बाकी हमें कुछ नहीं पता। मैं तो पुणे यार, मैं सोचा देख लेता हूँ भाई शनिवार वाड़ा है कैसा, तो वही देख रहे हैं। अभी हम भी फ़ोटो खिंचाने वाले हैं इसमें बहुत सारी चाचा से, तो यहाँ से ऊपर और ऊपर चल के एक राउंड मार लेते पूरे किले का। चलो चलते अभी इसके अंदर भी चल लेते, देख लेते हैं ना, नहीं उधर से खुला है, उधर से गेट है, तो उधर चलते हैं अंदर। चलो पहले इसके अंदर जाते फिर इसके ऊपर जाएंगे हम। गुफा नहीं, अपार्टी, ये सब क्या है यार, ये सब लगता है जो महल का नेव और तना तना वो होगा। ये मतलब अंदर कैसे लगा, रूम टाइप के थे वो है किले के। रायन दरवाजा, अच्छा हाँ ये है दूसरा दरवाज़ा, मतलब कि फर्स्ट उधर से था, ये दूसरा नारायण दरवाज़ा। अब हम इधर ऊपर जाते हैं, बाकी और उधर से जितने भी गेट हो उधर भी दरवाजे ही होंगे छोटे छोटे, और बाकी हो सके किले के मतलब के अंदर के रास्ते, जो इसके अंदर की दीवार है उसके अंदर का है। फुल पतली जगह ऊपर सीधे सीधे, तो हम जा रहे ऊपर चढ़ते हैं, चलो चलते हैं अभी अच्छे से देखते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। हम अभी ऊपर आ चुके हैं, अभी इधर से नीचे का ऐसा व्यू है। बाकी ये ऊपर की दीवार है, मतलब लगता है ऊपर जो सैनिक रहते थे ना उनके लिए, जो रक्षा करने के लिए बाड़ा का, ये इधर से ऐसा व्यू है।
हाँ हम भी चलो एक आध दो फोटो क्लिक करा लेते हैं, क्योंकि फोटो क्लिक कराना मैं इतने सीढ़ी ज़्यादा थक गया हूँ ज़्यादा। चलो हमारी फोटो शूट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, आगे और देखते हैं आगे और कौन सा द्वार है, कौन सा गेट का क्या नाम है। चलो चलते हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है आग लगने के बाद, सब कुछ ख़त्म है। अब यहाँ से हम फिर जा रहे हैं ऊपर, फिर सीढ़ी आ चुकी है। चलो चलते हैं यहाँ से, अभी ये लगता है उनका मीटिंग का प्लेस था ये वाला। बाकी अब चल रहे अपन इधर साइड जाएंगे, इधर से फिर उधर किले के साइड घूमते हुए निकल लेंगे अपन। हम चल रहे आगे साइड, और इधर साइड के डमरू साइड मंदिर भी है तो वो भी देखने जाएंगे अभी हम चाचा के साथ, इसको देखने के बाद। चलो चलते हैं, तो अच्छे लग रही है। आग लगने के बाद जो अब कुछ बचा है ना, इसको इनने बचा के रखा है, इसलिए बचा है, नहीं तक ये भी धंस जाता सब। मतलब सोचो आग लगी पूरा महल बर्बाद, इसमें हज़ार लोग आ सकते थे, अब इसमें कोई भी नहीं आ सकता। बस मतलब इतना सामने को जो बचा है ना वो बचा है, बाकी इधर की जो दीवारें हैं गेट हाँ मेन गेट ही बचा है मेन, बाकी ये जो दीवारें बचनी है ना ये बचा हुआ है। चलते और इसके ऊपर मूवियाँ बन चुकी, मैंने वाजिर मस्तानी मूवी देखी नहीं है, पर मैं अब देखूँगा जाके पूरा इसके बारे में जानूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गूगल से देखा था, जैसे बोला गया था ये मतलब कि एक हॉन्टेड प्लेस में गिना जाता है, इसमें रात के 5 बजे के बाद इसलिए बंद कर दिया जाता है, इसमें लोग कोई नहीं आते 5 बजे बाद, क्योंकि इसमें फिर वो भूतिया वूतिया रहता है ना, समझ सकते हो ना इस चक्कर में। चलो अभी घूमते पीपल रोड पर, सब कुछ है यहाँ पे लोग, इधर का पूरा नीचे भी मैंने उधर साइड से भी दिखा दिया, इधर साइड से भी दिखा दिया, अब फ्रंट साइड से भी जाके दिखा देंगे, जो मेन गेट से मंदिर है वहाँ से भी दिखा देंगे। यहाँ से चलते हैं सीधे जो जो मेन गेट था जहाँ से आए थे, और यहाँ से नीचे जा सकते हैं हम, नीचे जाने का रास्ता है, उधर बाहर निकल सकते हैं उधर जाके, पर अपन इधर सीधे जाएंगे, सीधे से नीचे उतरेंगे, उसके बाद ऊपर जाने वाले हैं अभी अपन, तो ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा यहाँ से नीचे जाने का भी, यहाँ से ऊपर जाने का भी है ना, नहीं ऊपर जाने का ही है सिर्फ यहाँ से। तो भाई जिस गेट से हम अंदर आए थे वो वाला गेट आ चुका है, वो ये है, बाकी इसके अंदर का महल ये है जितना कुछ बचा है अब, क्योंकि इसमें लकड़ी से और पहले तो पत्थर के बना थे ना, सब पत्थर रख रख के बनाते थे, इनने पत्थर रख रख के बनाया है। अपन अंदर चलते हैं, एक आध वहाँ से फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, फिर बाकी यहाँ के नीचे के देखा, यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है, और यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है, ये है इसका जो बचा कुचा चीज़ था ये है, और ये है देख लो, मतलब इतना ही बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ज़्यादा फ़ोटो खींच लेता हूँ, बाकी इधर नीचे का व्यू देखो, नीचे का व्यू ये है शनि बारवाड़ा से, नीचे लोग चल रहे हैं, इधर का इधर का इधर का इधर का। चलो अब यहाँ देख लिया, बस इतना ही था। और चाचा ये हैं, चाचा से हम फिर से फ़ोटो खिंचवाते हैं। जो इंडिया का झंडा लग रहा ना, ये सबसे प्यारा लग रहा, सारे बाड़ाओं से प्यारा झंडा लग रहा हमें। अब यहाँ से नीचे चलते हैं ना, अब यहाँ से चलना है नीचे, और निकलेंगे अपन मेन गेट साइड, और मेन गेट साइड चलते हैं। चलो क्योंकि हमने जितना घूमना था हमने घूम लिया, हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना था, कर लिया जो कुछ पता था बता दिया। अब चलते हैं नीचे, बाहर अब जा रहे हैं मेन गेट साइड, चलो उधर साइड चलते हैं। अब हम अंदर आए थे उसी गेट से, हम जा रहे हैं बाहर, यहाँ से निकलते बाहर। अब यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा शनि बारवाड़ा का जो मेन गेट था ये है, बाकी छोटे मोटे गेट है और उधर से एक गेट उधर से, मतलब 5 द्वार थे, 5 अलग अलग नाम थे ये है। यहाँ से घूम लिया, अब हम यहाँ जा रहे हैं जो लड्डू गोपाल की मंदिर है वहाँ चलते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं, और वो मतलब कि वो सोने से पूरा बनाया गया है। चलो इधर साइड ही है, चल के वो भी देख ही लेते हैं, और क्या जब यहाँ आए हैं तो अभी दो दो जगह एक साथ एक्सप्लोर करें, क्योंकि टाइम कम बचा ना हमारे पास, इसमें दो दो जगह एक साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। इधर हाईवे जा रहे हैं मंदिर की तरफ, चलो चलते हैं। आगे है, अच्छा उधर आगे है, गाड़ी लेके चली, अरे नहीं पहले चलो चलते हैं मंदिर घूम के आते हैं, और क्या बारवाड़ा के पीछे की दीवार जहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया था वो दीवार है, तो वही 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 ट्रैफिक छूट गया। चलो 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 निकल रहा है भाई, देखो इधर हम घूम रहे पर धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम ज़बरदस्ती घूम रहे हैं, क्या करें, घूमना पड़ता है ना। देख लो ये है मंदिर लड्डू गोपाल की, ये है, अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं, इसके अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से बाहर से तो दिख नहीं रही है, अंदर से चल के देख के आते हैं, बाहर से तो दिखते नहीं है भाई। देखो ये है, हम इसके अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, पर बहुत टाइम तक खड़ा रहना पड़ेगा, और अगर वीआईपी पास से एंट्री करेंगे तो वहाँ चार्ज लगेगा। मंदिर ये है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि पूरा सोने की मूर्ति है ना, सोने की मूर्ति है ना, पूरा सोना ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि आर्मी वाले पुलिस वाले सभी घूम रहे हैं इधर। चलो चलते अपन यहाँ से बाहर, अब सामने से पुलिस वाले लड़ जाए, मतलब ये वाला चांदी का, अभी ज़्यादा यहाँ सोने का वाला दिखाते हैं, अंदर पर सोना चांदी मूर्ति लगाए हुआ है, अंदर पूरा अंदर से देखो, अब अंदर नहीं गया क्या हुआ। चलो यहाँ से चलते हैं, और बहुत ज़्यादा
ये इधर आर्मी गाड़ी खड़ी है, इधर गार्ड, उधर आर्मी वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ वो देखो सामने बैठे हुए हैं। चलो चलते यहाँ से अब बाहर। आना वाड़ा क्या है पता नहीं, चलो अभी अपन चलते उधर। ये नाना वाड़ा है और वो शनिवार वाड़ा है, और जहाँ से हम आए थे बाहर वहाँ से हम वापस से अंदर जाएंगे अपनी बाइक के लिए। वाल घूम के अब फिर शनिवार वाड़ा के अंदर आ चुके हैं। ये कहाँ का पेड़? पीपल के पेड़ है ना ये, बर्गर का पेड़ ये। हाँ तब चलते हैं, अपनी बाइक उठाएंगे बाइक के पास, क्योंकि बहुत घूम लिया, बहुत बात लग रही है ना, तो बहुत गर्मी लग रही है। क्या करो, चलते हैं अब बाहर, बाहर जाके धूप पिएंगे, गाड़ी निकाल के उसके बाद घर निकलेंगे ना दादा, क्योंकि बहुत दस निकले हम तो घर से 10 बजे निकल गए थे ना, बाकी साइड रोड का काम के सारा काम किया ना। और ये एक बार और देख लो आप लोग, तो हम यहाँ निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी उठाएंगे पार्किंग से, हम निकलते पार्किंग पे आ चुके हैं ना। और यहाँ की पार्किंग फ्री है, अंदर जाने कोई चार्ज नहीं, सारा फ्री है, चार्ज कुछ भी नहीं लगता है। तो भाई चाचा आ चुके हैं, अब गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं अपन घर। ओ भाई सीट क्या कर, पूरा बम जल गया है हमारा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जूस पीने चलो, जूस ऑर्डर देते हैं और मंगवाते हैं वाटरमेलन, चलो इसको पीते हैं उसके बाद मिलते हैं। जूस पी के निकल चुके, और इधर देखो ट्रैफिक कितना सारा है, जहाँ तक देखते जाओगे ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखेगा। और इधर चल रहा है उसका काम, मतलब कि मेट्रो का।